भाई ये सुबह सुबह क्या पहन लिया? डिस्को जा रहा हूँ मैं। आइसलैंड में डिस्को सुबह सुबह 6 बजे? भाई क्या हुआ, बाहर तो चलो भाई, पहले पूरा पैक होगा। आइसलैंड भाई। संडी भाई कह रहे ओ ये कैसी ठंड का झोंका आया। भाई बाहर चलके डांस करेंगे। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। दिन तो अभी तक निकला ही नहीं है, यहाँ पे दिन निकलता है कुछ सुबह के 9 बजे, 9:30 शायद। और ये सुबह सुबह देख लो भाई, बर्फ गिरने लग रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और हमको आज अपनी आइसलैंड सीरीज की पहली एक्टिविटी करने जाना है। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, कुछ सीक्रेट रहता ही नहीं यार थंबनेल और टाइटल में, सब कुछ बताना ही पड़ता है तभी लोग क्लिक करते हैं। तो बर्फ़ सी गिर रही है, टेम्परेचर इतना कम नहीं है, -2-3 होगा और तेज़ हो गई भाई बर्फ़। अब टोपी पहननी पड़ेगी, टोपी ग्लव्स वगैरह सब लेके आए हैं हम, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके आए हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं भाई स्नोमोबाइल चलाने। मतलब स्नोमोबाइल के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, शायद 3-4 घंटे स्नोमोबाइल चलाएंगे और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। तो पूरा टूर 11 घंटे का है लगभग ये, तो 11 घंटे के बाद हम वापस आएंगे। 8 बजे टूर शुरू होएगा, अभी मीटिंग लोकेशन पे जाना है हमको। चलो चलते हैं। तो भाई यहाँ पे हम आके बैठ गए, ये रेकविक बस टर्मिनल है, इसके अंदर एक हॉस्टल है, बस हॉस्टल। यहाँ से ही सारे टूर डिपार्ट होते हैं, तो उन्होंने कहा है भी 8 बजने से 5 या 10 मिनट पहले बस आएगी बाहर, आपको खुद ही देखनी है, कूपन दिखाना है अपना। ये टूर भी मैंने गेट योर गाइड से बुक किया है, तो अगर आप करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे आप करोगे तो अगर टूर उतनी प्राइस का पड़ेगा, मेरा एफिलिएट लिंक है, उससे मेरे को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मेरे को मतलब कमीशन टाइप मिलेगा, पर आपको उतना ही मतलब पे करना है जितना साइट पर नॉर्मल लिखा आएगा। तो भाई यहाँ पे ऐसे लाइन में आगे लग जाती है बस, और आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी कि आपकी कौन सी डेस्टिनेशन। जैसे इसका लिखा है ब्लू लगून डेस्टिनेशन है, पर ब्लू लगून तो बंद है आज। ये कहाँ से एक और बस आ गई, ग्लेशियर क्रूज, ये वाली भी नहीं जानी हमको, ग्लेशियर क्रूज भी नहीं जाना। तो भाई बस में हम बैठ चुके हैं और आ गई हमारी बस। अब पता नहीं कितना क्या दूर लेके जाएंगे, क्या क्या इंक्लूडेड है। मैंने तो बस देखा स्नोमोबाइल, मैंने आज तक नहीं चलाई भाई जिंदगी में, मैंने कहा बुक। इस भाई ने भी नहीं चलाई, मोबाइल बहुत चलाई, स्नो नहीं चलाई। तो भाई ये पहला स्टॉप है, मतलब मेन हाईलाइट तो स्नोमोबाइल ही है, पर ये 3-4 स्टॉप्स हमको रुकवाएंगे और फिर पहुंचाएंगे वहां पे स्नोमोबाइल में फाइनली चलवाने के लिए। खाने पीने का पता नहीं क्या सिस्टम होगा, कि खाना वाना कहाँ खाना, ये कुछ बताया ही नहीं गाइड ने। और सुबह से हमें एक चॉकलेट खा के निकल रखे हैं, ऑब्वियसली बात है सब लोगों ने भी बस अभी ब्रेकफास्ट ही किया होगा। ये अभी आए हम, पहले वॉशरूम चलते हैं। तो भाई ये देख लो, ये नेशनल पार्क विजिटर सेंटर, मेरे को नहीं पता भाई यहाँ पे क्या देखना है, पर चलो देखते अंदर। वो देखो भाई अभी सुबह सुबह फ्लैग लगा रहे हैं आइसलैंड का। ये आ गए भाई हम कहीं पे, पता नहीं गाइड ने बताया ही नहीं कि यहाँ से क्या देखना है क्या नहीं देखना है, मेरे को तो बर्फ में वैसे ही मजा आ रहा है। तो भाई यहाँ से पूरा नज़ारा सा दिख रहा है ये, और कह रहे हैं काफी चीजें ना बादलों में छुप गई हैं, बादलों के पीछे। तो ये तो चलो वैसे भी नॉर्मली वहीं पे, वहाँ पे देखो लोग वॉक वगैरह भी करने जा रहे हैं। तो ये जगह तो मेरे को ओके ओके लगी भाई, पता नहीं बादल हटके क्या दिखता होगा यहाँ से, अभी तो देखो कुछ नहीं दिखा। तो पूरे टूर की वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपके ये टूर पूरा भाई हमको 22,000 रुपये का पड़ा है, तो आपको भी पता चल जाए कि वर्थ है या फिर नहीं है। मैं तो मेन स्नोमोबाइल के लिए आया था, सिर्फ स्नोमोबाइल का कोई टूर था नहीं, तो हमको ये पूरा लेना पड़ गया। तो आपको भी पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक कि आपको करना है या नहीं, और मैं भी बता दूंगा क्योंकि मैं हमेशा ही बता देता हूँ, मेरे कौन से भाई मतलब ये कोई फ्री में थोड़ी ना कराने लग रहे हैं, तो मैं भी बता ही दूंगा कि भाई मेरे को वर्थ लगा या फिर नहीं। एक है भाई सुवेनियर शॉप टाइप पे, पर आपको पता ही आइसलैंड में चीज़ें कितनी महंगी होगी यार। ऐसा बैग मेरे को चाहिए यार, जो मैं अभी लेके आ रखा हूँ ना वो ज़्यादा ही बड़ा हो रखा है, ये सस्ता हो तो मैं ले लूँ अभी के अभी, खरीद दूंगा मैं तो इसको। जैकेट देखो भाई 22,000 करोना की, ओ भाई 10,000 करोना का बैग रख दो भाई, इतनी यहाँ पे लूट मच रखी है, 10-12,000 करोना का भाई।
भाई मेरा बड़ा मन था कि पूरे आइसलैंड में मैं ऐसी टोपी पहन के घूमूं ताकि मतलब लगे भी तो कि आइसलैंड में आए, पर यार ये दिल्ली से ही तोड़ देते हैं कि इतनी महंगी करके 2790 की भाई। ओ माय गॉड, यहाँ क्या चल रहा है। तो भाई यहाँ पे खाने का ले लेते हैं, ये चिकन टिक्का मसाला रखा मिल गया था। पहले तो मैंने पढ़ा दूर से टिक्का मसाला, फिर मैंने कहा चिकन टिक्का मसाला, चलो भाई $10 का ये ले लेते हैं। अगली स्टॉप पे कुछ और खा लेंगे, हर स्टॉप पे मिलेगा कुछ ना कुछ। तो इस जगह से हम चल चुके हैं भाई अपना वापस चिकन टिक्का मसाला लेके, और यहाँ पे बर्फबारी हो चुकी है शुरू। ये ब्लैक जैकेट पहनने का ये बड़ा फ़ायदा है कि आप लोगों को बर्फबारी जरूर दिख जाती है मेरे वीडियो में कि हो गई है स्टार्ट। मस्त दिख रही है, मस्त हो गई स्टार्ट, ये तो गिरती रहेगी यहाँ पे। और अभी जो हमारे वेदर ऐसा ही है और ज़्यादा ठंड भी नहीं होगी, -3, -4, -5 मतलब -10 से नीचे नहीं जाने वाला। तो भाई अब आ गए हम सेकंड लोकेशन पे, इसका नाम है गीजर कह रहा हूँ मैं तो, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब जियोथर्मल वो है पानी, जिससे मतलब ओ भाई सीधा मतलब फुहारा बहुत ऊपर तक निकलता है। तो देखो यहाँ पे ये रहा, ये देखो ये धुआं निकलने लग रहा है ना, इसमें से हर 5 से 10 मिनट पे फुहारा फटेगा। तो चलो देखते हैं कैसा क्या रहता है। भाई ये देखो पानी कैसे खोलने लग रहा है यहाँ पे, शायद सबसे मेन वाला आ गया है, वहीं चलते हैं पहले, ये सब बाद में देखेंगे। भाई यहाँ देखो सब लोग कैमरा ऑन करके खड़े हैं अपना चारों तरफ इसके। भाई ये पहुँच गए हैं मेन गीजर में, या फिर गीजर ही कह लो यार, जो घर में गीजर लगे होते हैं पानी गर्म करने के लिए, ये भी वही है कि अंदर अंदर जमीन के अंदर पानी गर्म हो रहा है, और भाई एकदम से ही बस फुहारा आने का वेट कर रहे हैं। हर मतलब एक बार दो बार तो ऐसे हुआ कि एक एक दो दो मिनट में फट गया, कई बार ऐसे हो रहा 5 मिनट में, कई बार 7 मिनट लगा रहा है। तो हम 6 या 7 बार देखने, हमको थोड़ा पता चलने लग गया जब फटता है, अंदर से ना एक बुलबुला से निकल के आता है, दिखने लग जाता है पानी में हलचल भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो वेट करते हैं, यहाँ से कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार वीडियो बनाने के लिए। और हाँ इंस्टा पे भी भाई मैं रील्स वगैरह डाल रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और उसमें लिख भी दूंगा मैं, तो उस पर भी जाके आप देख लेना, लाइक वाइक कर देना। स्टोरीज वगैरह मतलब थोड़ी अलग हो जाती है यूट्यूब वीडियो से ना, और भी थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। भाई ये देखो चारों तरफ कितने जने खड़े हैं, अभी तो बहुत कम हो गए क्योंकि बसों का जाने का टाइम हो गया, बंदे स्नो फेंक रहे हैं उसके अंदर ताकि ठंडा हो जाए वो, फिर उबलने में टाइम लगेगा है ना, ये पागल है ना। हाँ ऐसे करना नहीं चाहिए यार, बहुत सारे लोग हैं बदतमीजी कर रहे हैं, इन्होंने ये किया हुआ है, करना नहीं चाहिए। भाई अब होने वाला है देखो, हाँ हिलने लग गया, थोड़ा नीचे चला जाता है ना तब होने वाला होता है। ये था भाई मजेदार, मैं तो एकदम से डर जाता हूँ, जैसे संटी भाई की जब बना रहा था ना मेरे को डर नहीं लगा, क्योंकि मेरे को पता था कब होने वाला है, मेरे टाइम पे मेरे को पता ही नहीं था, तो मैं एकदम से घबरा सा भी गया। ये था भाई, अब क्या पता अगले 1 मिनट में भी हो जाए, क्या पता अगले 10 मिनट तक। ओए होए एक और सोने पे सुहागा, ओ तेरी की, गुस्से में आ गया ये, अब ये कह रहा है तुम्हारा टाइम हो गया निकल लो यहाँ से। तो भाई ये था हमारे टूर का दूसरा स्टॉप, और ये मेरे को पूरा वर्थ इट लगा कि हाँ भाई। पर अगर आप अपने ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो ना, तो चाहे पूरे दिन बैठे रहो यहाँ पे, पर हमको यहाँ पे 1 घंटा मिला था, कितनी बार 10 बार उछल गया होगा है ना, कम से कम हाँ 10 बार उछल गया। ओ भाई तो कैसा था, वर्थ इट लगा आपको ये? भाई मैं ये बोलूंगा कि आइसलैंड में अभी जब से आया हूँ 2 दिन हो गए, दूसरा दिन हो गया ना, तो ये वाला बेस्ट नजारा लगा। 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तक आपको? 24 घंटे भी नहीं हुए ऐसा, मतलब आए तो कल थे ना, मेरे हिसाब से तो कल का दिन हो गया आज का, तो ये बेस्ट नजारा था अभी तक। चलो वर्थ इट था मतलब, अब चलते हैं वापस अपने बस में, क्योंकि टूर के साथ आओगे तो भाई आपको टाइमिंग फॉलो करनी पड़ेगी। ये देखो भाई यहाँ पे छोटे छोटे तो ये होने लग रहे हैं, वहाँ पे ना मेरे को लग रहा है इनके बुलबुले कैप्चर हो जाते हैं कहीं पे, और यहाँ पे हर सेकंड निकल रहे हैं, वहाँ पे एक ही बार में निकलता है। भाई ये उतर गए हम तीसरी जगह, यहाँ पे हमको गोल्डन फॉल्स देखने हैं, पर वो हमको आते वक्त देखने, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास। भाई अभी हम जा रहे हैं इस पे माउंटेनियर्स ऑफ आइसलैंड, ये मॉन्स्टर ट्रक्स कहते हैं भाई इनको, ये भाई इनका टायर देखो, ये ग्लेशियर के ऊपर लेके जाएंगे जहाँ पे हम स्नो मोबाइल चलाएंगे। भाई ऐसा ट्रक तो मैंने पहली बार देखा है, मतलब ऐसे रशिया में देख रखे हैं मैंने, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। भाई ये वाली तो अभी अभी आई है, और ये इनका बाप लग रही है भाई, ये तो इनसे टायर से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं उसके तो। ओ हो हो हो, चलो ओ हमको इसमें जाना है। भाई कुछ भी नहीं दिख रहा आगे का, चारों तरफ बर्फ है, और रोड पे भी नहीं, बर्फ के ऊपर चल रहे हैं हम डायरेक्ट।
भाई मैं आप लोगों को क्या बताऊं यार, कहां ही आ गए। ऐसा नजारा मैंने दुनिया में नहीं देखा भाई कहीं पे भी। आज तो एक तो आसमान भी नहीं दिख रहा ना, तो आपको डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा कौन सा जमीन है क्या आसमान है। भाई यहाँ पहुँचा दिया इस ट्रक ने हमको, पता नहीं कहाँ आ गए भाई हम, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ख़राब है तो कुछ भी दिख नहीं रहा, अभी बर्फ़ गिरने लग रही है। पर यहाँ पे सारी गाड़ियाँ देखो भाई ऐसे टायरों वाली पहुँच पा रही हैं, कितने बड़े टायर लगा रखे हैं इन गाड़ियों में, सारी की सारी गाड़ियाँ ये टूरिस्ट को लेके आई हैं। तो अब यहाँ पे भाई हम करेंगे स्नोमोबाइल राइड, और उससे पहले हम करेंगे पूरे कपड़े चेंज, जैसे डॉग स्लेड पे पूरे कपड़े पहन लेते ना वैसे ही, गर्म वाले कपड़े देंगे, हेलमेट देंगे, ग्लव्स देंगे, जैकेट देंगे। तो अगर आप कुछ भी नहीं लेके आओगे तो काम चल जाएगा, पर यहाँ तक भी आपको आना है तो फिर मतलब कुछ तो पहन के आओगे ऑफकोर्स सी बात है। तो मैं चाहूँ तो जैकेट वगैरह अपनी उतार के इस मॉन्स्टर ट्रक में रख सकता हूँ, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर ही पहन लेंगे। भाई पहनना सूट जैसे मैंने डॉग स्लाइड में पहना था, डॉग स्लाइडिंग में इनका थोड़ा अलग है, इनके ना ये पैर भी खुला पड़ा है तो डायरेक्ट पैर डल जाएगा अंदर, फिर पहनना है हेलमेट, वहाँ पे रखे हैं ग्लव्स और टोपी भी है, टोपी क्या हेलमेट ही है। चलो डायरेक्ट जूते उतारने की जरूरत नहीं है, मेरे को सूट की अच्छी बात लगी है ना। हाँ तो डॉग स्लाइड करी थी तो मैंने जूते उतारने पड़े थे, तो ये कर दिया। बच्चों के लिए देखो छोटे छोटे बच्चे, ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को ये अपने लिए, ये सही है, सही है, मेरे को भी बड़ा लग रहा है। नहीं मेरे वाला भाई, मेरा तो बहुत बड़ा है ये, पहन लो अब चुपचाप पहले जल्द। अरे तो वो ये बंद जाएगा ना कोने पे। नहीं नहीं भाई, भाई मैं बांधता हूँ, आप पहनो इसको पूरा, गले में डाल लो नीचे। हाँ अब ऊपर कर लो, बस नीचे से हो जाएगा, पीछे से, पीछे से, हाँ पीछे से। भाई ये भी एक अलग ड्रामा है इस बारे में। बस हो गया, अब हेलमेट ले लो। हो गया हो गया हो गया। हाँ भाई ऐसे लग रहे हो बिराने की लुक आई हो। हाँ ये नीचे वाले अच्छे, इनसे मोबाइल भी चल रहा है। एक इधर से लेना है, एक उधर से लेना है। तो भाई ये हो चुके हैं तैयार, सूट बूट सब कुछ पहन लिया है, अच्छा खासा गर्म हो गया, थोड़े ग्लव्स और अच्छे क्वालिटी के हो सकते थे, पर चलो कोई नहीं। यहाँ पे हमको फुल ट्रेनिंग मिल गई है कि स्नोमोबाइल कैसे चलानी, बस दो ही तीन चीज़ बताई हैं कि जब लेफ्ट मोड़ रहे तो लेफ्ट की तरफ झुक जाओ, राइट मोड़ रहे तो राइट की तरफ झुक जाओ। एक बंदा पीछे बैठेगा, एक बंदा आगे बैठेगा, 25 मिनट जाना है, 10 मिनट का स्टॉप, फिर 25 मिनट वापस आना है, तो ऐसे एक घंटा हमको चलानी है। तो जहाँ तक मैं लेके जाऊँगा वहाँ पर 10 मिनट फोटो वोटो खिंचाएंगे, आज तक संटी भाई लेके आएंगे। अगर आप एक बंदे आते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये पूरा टूर हमने 22,000 रुपये का बुक किया था, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे कर दोगे तो मेरे को थोड़ा कमीशन मिल जाएगा, पर आपको उतने का ही पड़ेगा। तो दिखाओ भाई कितने लोग जा रहे हैं हमारे ग्रुप में, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक गाइड आगे चलेगा, एक गाइड पीछे चलेगा, तो अगर आप कहीं पर खो जाओ या फिर आपका ग्रुप आगे निकल जाए तो फिर आपको पीछे वाली गाड़ी का वेट करना है। और पूरे मतलब आप सोचोगे 50 की स्पीड पर चला लूँ, 100 की स्पीड पे, इन्होंने कहा है पूरे ग्रुप के हिसाब से मतलब डिसाइड होगी स्पीड। अगर बंदा स्लो चला रहा होगा ग्रुप में कोई आगे वाला, तो आपको भी स्लो ही चलना पड़ेगा, एक सीधी कतार में चलना है, कुछ ऐसे आपको स्किड विकेट नहीं मारनी है, ठीक है भाई। और कह रहे हैं पलट भी जाते हैं तो घबराना नहीं है, पलटते हैं मरोगे। चलो भाई अब करेंगे चलना स्टार्ट और आपको मिलेंगे जहाँ पे हम रुकेंगे। चलो तो भाई ये हो गई है हमारी राइड चालू, और अब हम लोग इन सबको देखते हुए चलेंगे। Bye!
तो भाई फाइनली देखो सूरज निकल आया है, तो विजिबिलिटी अब बहुत अच्छी हो गई है। पहले विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। सामने भाई माउंटेन भी दिख रहा है, देखो ग्लेशियर माउंटेन, भाई मज़ा आ गया। तो भाई अब हम लोग चढ़ने के लिए जा रहे हैं जो माउंटेन है ना उसके टॉप पे। ओए ओए क्या मस्त लग रहा है भाई, तेज चला के जाना पड़ेगा, पूरी खींच लो स्पीड। तो ये पहुंच गए हम भाई ग्लेशियर के ऊपर, यहाँ पे सब लोगों की स्नोमोबाइल खड़ी है और यहाँ बना ली हमने थोड़ी फोटो वोटो खींच ली। अब वो हमको लेके जा रहे हैं ग्लेशियर दिखाने, और इसके लिए भाई जूतों में कांटे वाले वो स्पाइक्स पहनने पड़ेंगे हमको ताकि हम फिसले ना। तो अभी 25 मिनट मैं चला के लेके आया भाई, मेरे हाथों की ना बैंड बज गई बीच में। अभी तो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा सूरज निकल गया ना, वरना मेरी तो बज गई और बैंड मेरे को ऐसा था कि बस पहुँच जाए एक बार, क्योंकि ये ग्लव्स कामयाब नहीं यार, इसके नीचे में अपने वाले ही पहन के आने चाहिए थे, फिर सही रहता। तो यहाँ पे सारे लोग स्पाइक्स वाले जूते पहन रहे हैं, तो हमको भी पहनने पड़ेंगे भाई। ये इस गुफा में लेके जा रहे हैं हमको, पता नहीं कहाँ पे। ये है भाई एंट्रेंस। ओ, ओ, ओ। तो भाई आप ये देख सकते हो एक गुफा में आ गए हम, जो कि पूरी की पूरी बर्फ की बनी हुई है। ये ग्लेशियर है और इन्होंने ही खोदियाँ बनाई है टूरिस्ट के लिए। तो ये 3000 साल पुराना ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर कैसे बनता है भाई, जब बहुत सारी बर्फ दबती रहती जैसे पूरा गिरती है ना बर्फ, तो जब गिरती है तो बर्फ दबती रहती इतने प्रेशर से आती है ना कि ऐसा बन जाता है भाई, देखो क्या बन गया ये ना। तो ये कह रहे हैं ये ग्लेशियर अगले 100 साल के अंदर यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी आपको मैंने बाहर बर्फ दिखाई वो सारी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ये ग्लेशियर कभी दोबारा नहीं बनेगा जब तक कि आइस एज नहीं हो जाती। तो चलो चलते हैं बाहर और फोटो वगैरह कराते हैं। अब 100 साल के बाद तो मैं भी नहीं बचूंगा ग्लेशियर तो खाई। चलो ठीक है, चलो भाई यहाँ पे था 15-20 मिनट का हॉल्ट था, हमने फोटो खिंचाई, अब सेंटी भाई चलाते हुए जाएंगे वापस। तो भाई ठंड इतनी नहीं है, पर जब चलती है ना स्नोमोबाइल 30-40 की स्पीड में भी ग्लव्स बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, बोला भी नहीं जाता। -4-5 होगा, ज़्यादा नहीं आज, और अब थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, थोड़ा ही ठीक हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ, पर हाँ चलो ठीक है, कम से कम हवा ज़्यादा नहीं चल रही। चलो मेरे को तो पता था भाई ये टूर वर्थ इट होगा, पर संटी भाई को डाउट ही रहता है टूर पे कि वर्थ इट होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक संटी भाई इतना टूर्स वगैरह लेते नहीं थे किसी देश। भाई आपको कैसा लगा ये टूर? भाई देखो अभी तक टूर अच्छा लग रहा है मेरे को, बट जैसे 22,000 रुपए दिए है ना, तो आइसलैंड आए हैं, मेरे को लग रहा है कि वर्थ इट है, अगर कोई करना चाहता है तो वर्थ इट है भाई, यही बोलूंगा एंड ऑफ द डे। संटी भाई जितने रिच हो तो आ सकते हो। हाँ मेरे पास पैसा होता तो मैं अकेले आता, अकेले कर रहा होता ये, ऐसे नहीं बिठा। तो फिर फोटो कौन खींचता, जितने डिमांड कर रहे हो कि ऐसे खींच दो वैसे खींच दो, ऐसे खड़ा हूँ मटक रहा हूँ नाच रहा हूँ। भाई वो बोल रहे हैं उस पे कच्चा बादाम पे नाचो यहाँ। तो एक बार स्नोमोबाइल भी पूरी दिखा दूँ। ये तो है जैसे मतलब स्लाइड्स होते हैं जो स्कीइंग मतलब करते हैं लोग, मैं भी करता हूँ वैसे हैं। पीछे ये नहीं चलते, इनमें कोई पावर नहीं है, ये बस मतलब ऐसे शॉकर्स लगा रखे हैं और घिसड़ने के लिए हैं। इसमें पावर होती है पीछे, देखो जैसे ऐसे निशान बना के आए हैं ना, इसमें पावर पीछे से देखो भाई पूरी बर्फ ही बर्फ जम गई है। पीछे वाला या तो भाई अपने आगे वाले को पकड़ सकता है या फिर यहाँ पकड़ सकता है, और आगे वाले को चलाना ही पड़ेगा। इसमें देखो ऑन कर रखी है, यहाँ पे फ्यूल वगैरह दिखाता है, यामाहा का है ये, और क्या है इसमें, और कुछ भी नहीं इतना खास। तो भाई यहाँ हाँ सही रख रखे हैं पैर वहाँ पे भाई, आई वांट टू ट्रैवल। चलो भाई यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, अब मैं बैठा हूँ पीछे भाई। अब चारों तरफ को राइट हो रहा हो, दोबारा दूसरी दिख रहा है हमको आगे के, हमारे स्नोमोबाइल भी गायब हो चुके हैं। भाई संटी भाई ने क्या करा ना, राइट वाले पैर पे स्नो उड़ाते रहे, तो मेरे इसके अंदर पूरी बर्फ चली गई, तो पिघल पिघल के, तो
तो मेरा अंदर ही जुराब गीले हो गई। इस शू में क्या कर, देखो पीछे जम गई भाई मेरे पूरे ऊपर, क्योंकि उड़ रही थी, अभी पिघलना शुरू हो गई है क्योंकि अब थोड़ी गर्मी हो गई है, प्लस में आ गया। अच्छा वो हाथ क्यों कांप रहे हैं? मेरी बुढ़ापे की सफेद हो रखी है। नहीं ये जम गई बर्फ। हाँ बर्फ भी जम गई, आपके भी जम गई। तो ऐसे तुतला क्यों रहे हो? ठंडी इतनी हो रही ली है। देखते हैं पूरी बर्फ। चलो भाई अपनी स्नोमोबाइल को करते हैं बाय बाय। भाई मेरे को ये सारा बहुत ही सही लगा। अभी तो एक गोल्डन फॉल्स और जाना है, तो वो भी दिखाऊंगा भाई। ये मेरे को इसलिए सही लगा क्योंकि एक तो स्नोमोबाइल खुद ड्राइव करनी है, और कुछ ऐसा नहीं है कि भाई यार स्नोमोबाइल तोड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। जैसे जेट्स की भी होती है ना, कई देशों में स्कैम कर देते हैं कि भाई आपने तोड़ दी या फिर आपने ढंग से नहीं चलाई। यहाँ पे सब कुछ सही है, अपना खुद ही चलाने को मिल रही है, तो मेरे को सबसे सही यही लगा। किसी के पीछे बैठ के जाने में मतलब मजा तो आता है यार, पर एक बार खुद भी तो करके देखोगे ना, तो वो करने को मिला, तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। वरना पीछे बैठने वाले तो काफी देशों में टूर हो जाएंगे वाले कि स्नोमोबाइल के पीछे बैठ घुमा रहे हैं। पर इसमें ये था कि आप चला रहे हो और आपके साथ कोई पार्टनर है, आपको दोस्त है, वो चला रहा है, तो उसका अलग फन आता है भाई, सही बताऊं तो। चलो भाई कपड़े उतार दिए, अब चलते हैं बस के अंदर भाई, वापस चलते हैं। नहीं इन्होंने बोला था यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे ये लोग। अच्छा तो भाई देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट है एक। इस रेस्टोरेंट में ना खाना भी बना हुआ था, हॉट चॉकलेट भी है जो मेरे हाथ में था, पर ये आप खरीद नहीं सकते, किसी और ग्रुप के लिए खाना बना हुआ था। जो गोरा बंदा आता रेस्टोरेंट वाले पूछता क्या मैं ले लूँ ये, तो वो कहता हाँ ले लो, मैं तो वैसे ही फेंकने वाली थी, तो आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम भी भर के ले जा रहे हैं। अब रुपये यहाँ पे लाइन लग गई पीछे लोगों की कि हम सब लेंगे, इनको लगा सब लेके जा रहे हैं, पर इनको नहीं पता कि ये मतलब बचा कुचा जो बचा है वो ले रहे हैं, सबके लिए नहीं है ये मतलब। भाई यहाँ पे हम आ गए अब गुलफॉस में, मतलब गोल्डन फॉल्स में। ये गुलफॉस मतलब आइसलैंडिक लैंग्वेज में। अभी तो सोवीनियर शॉप में आ गए टॉयलेट यूज़ करने, फिर आपको मैं दिखाता हूँ फॉल्स भी। भाई ये देखो कितनी बड़ी सोवीनियर शॉप है ये, जैकेट वैकेट सब मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यार। पर आइसलैंड ना अलग लेवल का, मतलब आपको अमीर होना पड़ेगा यहाँ पे चीज़ें खरीदने के लिए। जैसे ये है 18,000 कोरोना की है भाई ये, मतलब ये मान लो लगभग $120-130 की। आपको एक अलग लेवल का मतलब अमीर होना पड़ेगा, अंबानी लेवल का ये सब। तो भाई मतलब मन करता है खरीदने का ये 12,500 की। जैसे ये वाली जैकेट है 33,000 की, बहुत महंगा है यार। ये टोपी होगी कम से कम 3,000-4,000 की। भाई मैं एज ए कॉइन कलेक्टर हूँ, तो मेरे को देखो सबसे पहले कॉइन ही दिख गए। तो 1922 से 1942 में ये वाले कॉइन्स यूज़ होते थे आइसलैंड में, ये बेच रहे हैं 2600 कोरोना के ये। फिर 1946 से 1967 में ये होते हैं, 1967 से 1980 तक ये वाले कॉइन्स यूज़ हुए हैं, ये 1800 कोरोना के बेचने लग रहे हैं ये। और ये हैं कितने के, 50 कोरोना वगैरह वगैरह के। और एक ये लक्की कॉइन बेच रहे हैं, ऐसा पता नहीं लक्की कॉइन क्या होता है ये, अब एक कोरोना का ये 990 कोरोना का एक कॉइन। ओ भाई ये देखो यहाँ पे ऐसे भी बेचने लग रहे हैं, अगर आपको पैकिंग में नहीं चाहिए तो ऐसे वाला ले लो, ये 790 का है। भाई संटी भाई हैं अमेरिकन, ठीक है। तो आप ये बताओ इतने सालों से अमेरिका में रह रहे हो, ये कंट्री कितनी महंगी लगी? भाई देखो अमेरिका के अकॉर्डिंग तो ये डबल महंगी है कंट्री। अभी सोवीनियर देख रहे, कह रहे मैग्नेट तो मैं ले ही लेता हूँ। मैंने कहा $10 का एक मैग्नेट है, ये वाले सस्ते हैं 990, मतलब ये हो गया $8 का। भाई वापस चिपका दो। भाई ये जैकेट ना मेरे को दूर से ही पसंद आ गई, और गर्म कितनी होगी ना ये, मतलब गर्म भी है और वाटरप्रूफ भी लग रही है कि भाई 66 डिग्री नॉर्थ में आपकी बात कर रहा था ना ये कंपनी की, भाई ये 49,000 कोरोना की, मतलब ये हो गया लगभग $350। सच में ले लेता है यार मैं तो, ये लड़कियों की है तो क्या हो गया, मतलब लड़कों में मिल जाएगी ऐसी। 66 डिग्री नॉर्थ में जाना पड़ेगा, ये वाली कंपनी है भाई बहुत फेमस है ये, जैसे नॉर्थ फेस है ना ये, उसका भी बाप है मतलब। तो भाई ये है गोल्डन फॉल्स का नज़ारा, आज यार पूरी धुंध हो रखी है, सनी डे पे आओगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा देखने। पर यार वही है ना, किस्मत में हर चीज़ आपको अच्छी नहीं मिल सकती। मैं तो इतना लकी हूँ कि मेरे को इतने देश घूमने को मिल रहे हैं, मैं उसी चीज़ को काफ़ी लकी मानता हूँ। कभी दोबारा आ जाएंगे ज़िंदगी में, ज़िंदगी बहुत लंबी है, मैं कभी भी दुख नहीं मनाता ऐसा कि भाई वो ख़राब वेदर है ये है वो है। तो आप देख सकते हो, अब मेरे को नहीं उम्मीद थी यार इतने कम वेदर में जम जाएगा, क्योंकि -4-5 ही हो रहा है, 4-5 में कभी जमता नहीं है। वाटरफॉल को जमने के लिए एटलीस्ट -25 तक चाहिए होता है, तो गिर रहा है पर काफ़ी कुछ जम भी गया है। तो भाई आइसलैंड इतना महंगा है ना कि यहाँ पे जो नोट्स चलते हैं ना वो चलते हैं 500 का, 1000 का, और मतलब 500 में तो कुछ मिलेगा भी नहीं यहाँ पे, मान लो 500 में तो एक पानी की बोतल भी नहीं मिलती।
और जो संटी भाई ने आज वो खरीदे थे, क्या खरीदे था, गेटोरेड, 440 की एक वो जूस की बोतल थी। तो यहाँ पे सिक्के मैंने जब विकिपीडिया पे पढ़ा तो 1 करोना का आता है, 2 का, 5 का, 10 का, 50 का और 100 का, ठीक है। तो भाई वो मिलने मेरे को पता चल गया नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे ATM भी नहीं है। तो पकड़ना एक बार इसको। तो भाई मैं वहाँ पे सिक्के देखते घूम रहा था, संटी भाई ने देखा है, इतनी बार देख रहा है, मैंने कहा बड़े महंगे दे रहे हैं। तो फिर संटी भाई का दिल जाग गया, तो फिर कहते मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है सिक्के आइसलैंड के, ये पड़ा 1790 करोना, मतलब ये हो गया 10, 11, 12 डॉलर के, 12 डॉलर के। ये 1967 से 1980 तक चलते थे सिक्के, ये अब तो चलते भी नहीं है, मतलब सोचो इतने पुराने हैं। वैसे भी इनकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी थोड़ी, अभी बेचने भी जाएंगे। इससे भी पुराने थे, 1925 से लेकर 1950 वाले आप लोगे, तो वो मतलब ये मान लो इससे 1.5 गुना और महंगे थे। तो मैंने कहा मेरे को पुराने नहीं कलेक्ट करता मैं, हाल फिलहाल वाले कलेक्ट करता हूँ, पर हाल फिलहाल को इस कंट्री में नहीं चल रहे हूँ, तो लेटेस्ट जो मिलते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। चले हम चलते हैं। अब लगभग 2-3 घंटे में वापस पहुँच जाएंगे। ये हमारे गाइड साहब हैं भाई। ये देखो सुबह हम ना ऐसी रोड से आए थे, अब चारों तरफ का मौसम भी बिल्कुल साफ हो चुका है, देखो चारों तरफ पेड़ वगैरह भी दिख रहे हैं, दूर तक दिख रहा है। तो भगवान करे इससे भी ज़्यादा क्लियर मौसम हो जाए कल। उतार दिया हमको, और इन बस कंपनी वालों का ना बनता नहीं था हमको यहाँ पे छोड़ना, हॉस्टल के बिल्कुल पास आके सबको होटल तक वगैरह छोड़ के आ रहे थे, इनका बनता नहीं था, क्योंकि उसमें लिखा था टूर में कि भाई हम तो वहीं छोड़ेंगे जहाँ से पिकअप किया, मतलब बस स्टेशन पे। पर सबसे इन्होंने पूछा कि भाई कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, तो फिर हमने बता दिया था अपना। तो चर्च के पास उतर गए हम, तो जब सब लोग उतर रहे थे ना, तो संटी भाई कह रहे यार कितना अच्छा बंदा यार, इसको टिप देनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई यूरोप में ये सब नहीं चलता है, टिप टिप कोई नहीं देता है। संटी भाई सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उतरा बंदा, उतर गया ऐसे ही बिना टिप दिए, उतर गए बंदे, हमसे पहले सभी लोग उतर चुके थे लगभग। तो संटी भाई कह रहे मेरे को तो यार बड़ी शर्म सी आ रही है। क्यों भाई? देख अमेरिका में क्या होता है कि जैसे इन्होंने सर्विस दी है ना, इस तरीके की सर्विस में हर बंदा कम से कम 20 से 50 डॉलर इनको टिप देता, क्योंकि मतलब कितनी अच्छी सर्विस दी है कि उन्हें बस स्टॉप पे छोड़ना था, उन्होंने बोला होटल में छोड़ेंगे, और जो भी बंदा जो इनको इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था वो भी दे रहे थे। तो अमेरिका में तो सब लोग टिप देते हैं, मैं तो यहाँ पे हैरान हो गया, लोग उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करी जा रहे हैं, और जाते समय मतलब बोल दिया थैंक यू और निकल लिए। ये अमेरिका होता ना भाई, तो ये बंदा कम से कम अभी $500 कमाता है इस बस से, कम से कम ऊपर से। तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। वैसे मैं छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा, अमेरिका में काफ़ी सारे लोग जान बूझ के रेस्टोरेंट में काम करते हैं और फिर रोना धोना लगा देते हैं कि भाई हमको तो रेस्टोरेंट वाले सिर्फ $2 पर घंटा देते हैं। तो भाई मैकडी में कर ले जाके काम, वो $10 दे देंगे, पर वो जान बूझ के लोग काम करते हैं ताकि वो टिप से ज़्यादा पैसे कमाएं। और जैसे ही टेबल पे बैठोगे ना, तो टेबल पे बैठते ही वो आएगी और है ना कोई स्टोरी निकालने लग जाएगी, और फिर बोलेगी मेरे को तो पैसे ही नहीं मिलते इतने, मैं तो परेशान हूं। अरे भाई जॉब्स खाली पड़ी हैं चिपोटले पे, हम देखते हैं वहाँ पे लोग करते नहीं जानबूझ के काम की ना, वहाँ पे पैसे मतलब कम बनेंगे उनके। टिप में क्या करते हैं, शर्मिंदा सा कर देते हैं अमेरिका में आके। मैं लास्ट वेगस एंटीलोप कैनियन के टूर पे गया था भाई, बैग लेके मेरे सामने ही खड़ा हो गया बंदा कि डाल इसमें पैसे। अरे भाई या तो एनोनिमस कर दो, बैग सर्कुलेट कर दो, जिसको डालना हो डालो, और मैं तो डालता ही नहीं उसमें, ठीक है। तो बंदे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? और भाई तुम अपनी चॉइस से वो वाली जॉब कर रहे हो ना कि जिसमें टिप मिले तुम लोगों को, तुम अपनी चॉइस से कर रहे हो। मैंने तो नहीं कहा भाई जाके रेस्टोरेंट में काम कर, फिर क्यों रोना धोना लगा रखा। मेरे को ओल्ड एज कपल भी मिले थे अलास्का की ट्रेन में, मैं जब जा रहा था, उनका खुद का बेटा रेस्टोरेंट में काम करता, तो मैंने उससे डायरेक्ट पूछ लिया था कि टिप के बारे में आपका क्या ख्याल है। कहते टिप के बारे में बहुत अच्छा ख्याल है, हमारा बेटा तो बहुत अच्छा कमाता है। तो भाई कभी भी शर्मिंदा मत होना, अगर आपको $1 टिप देनी है ना अमेरिका में, वही दे देना भाई, क्या होगा आपका सर थोड़ी ना फोड़ देगा, पर आपको अगली बार से ऐसी नजरों से देखेगा कि आप बिल्कुल नंगे फकीर हो भाई। तो, चलो इसके बारे में अमेरिका जाके बात करेंगे हम, इसके बाद अमेरिका ही जा रहे हैं इसलिए इनके बाद। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, नहीं सॉरी यहाँ तक नहीं रखेंगे, अभी हम खाना खाने भी जाएंगे, पिज्ज़ा खाने जा रहे हैं, तो वो दिखाते हैं आपको फिर खरेंगे खत्म। तो भाई यहाँ पे आ गए हम रेस्टोरेंट, और यहाँ पे आप रेट देखो भाई क्या है, हमने मंगाई ये वाला टेक्स मैक्स सॉस चीज़ चिकन हेलपिनो, और उसमें हैम या फिर पॉर्क है भाई, 44-45 का, सोच लो आप कितना हो गया, $30 का पिज्ज़ा हो गया लगभग, 30 से भी थोड़ा ज़्यादा, $35-36 का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोक मंगाई है हमने, 2 कोक 320 की, मतलब लगभग $2.50 की कोक, वो भी आधा लीटर भी नहीं, 330 ml। भाई ये आ गया हमारा पिज्ज़ा, ये तो पहली बार देखा है ऐसा पिज्ज़ा, तो मतलब जिस पे नाचो डाल रखे हैं, चिकन पिज्ज़ा है, 15 इंच वाला है ये, 12 इंच वाला छोटा पड़ जाता, 15 इंच में दोनों का काम हो जाएगा, पर बहुत पतला है,
पर सही है, पेट भर जाएगा। क्यों संडी भाई, कैसा लग रहा है ना नाचो डाल के? भाई मैंने ऐसा तो नहीं देखा, नाचो पाचो क्या क्या डाल दिया इन्होंने, मस्त लग रहा है, भूख भी लगाई। तो भाई अभी क्या हुआ ना, रेस्टोरेंट से खाना खा के निकले, रेस्टोरेंट काफी अच्छा था। ये चर्च है मेरे पीछे, आपको भी वापस वहीं पे पहुंच गया क्योंकि भाई ने मेरे को मेरी टोपी और ग्लव्स मेरे को वापस दिए ना, तो मैंने कहा एक ही ग्लव है इसमें, तो भाई कह रहे यार मैं तो सोचा तू एक ही ग्लव लेके आया, तो मैंने कहा नहीं यार दोनों लेके चला था, तो भाई बोले शायद तू बस में भूल गया, पर मेरे को अच्छे से याद था कि बस में मैं नहीं भूलाऊँ क्योंकि वो पॉकेट जो थी मैंने पूरी खाली करी थी, तो मैंने कहा यार बस से ना उतरते ही गिर गया फिर मेरा, ठीक है। तो क्या हुआ, हम चलते चलते यार ढूंढते ढूंढते पूरे रास्ते, और अब आप क्लिप देखो भाई, किसी बंदे ने उठा के ग्लव एक पोल पे रख दिया कि किसी का रह गया। भाई यार मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, ये ग्लव्स यहाँ रखा हुआ है, किसी ने उठा के नीचे से ऊपर रख दिया। यहीं रख देता हूँ, इससे पता चलता है सेफ तो है ही कंट्री, और मतलब चोरी तो खैर एक ग्लव तो वैसे भी कोई नहीं करता, पर मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे कि दो ग्लव्स भी आपके चोरी कोई नहीं करेगा यहाँ पे। भाई वैसे ही बहुत अमीर है, और ये 100 रुपये के मेरे ग्लव्स से चाइना से जो खरीदे, आपको याद होगा तिब्बत से खरीदे मैंने 100-120 रुपये ग्लव्स से, तो मेरे को इतना कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पर इससे पता चलता है लोग भी कितने अच्छे, कि नीचे से उठा के ऊपर रख दिया, मतलब हाँ, ये बात का मेरे को अच्छा लगा, ये रिस्पेक्ट की ना उन्होंने। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, ये सारा चर्च वगैरह कल हम सिटी टूर घूमेंगे, वो वीडियो आप पहले देख चुके होंगे क्योंकि मैंने कहा पहले वो वाली वीडियो डालनी ज्यादा सही रहेगी, तो ये सब वीडियो आप उसमें, ये सब चर्च आप उसमें देख चुके होंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।